अभी फिलहाल हमें तीन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहली है वो है नॉलेज, वो भी हमें एक सिंपल नॉलेज चाहिए। इसी के साथ हमें ज़रूरत है वो है एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की हमें सख्त ज़रूरत है। और इसी के साथ तीसरा पॉइंट जो चाहिए हमें, वो चाहिए हमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो इस एग्ज़ाम को अगर हमें क्लियर करना है, इस एग्ज़ाम को हमें पार करना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि हम अपना टाइम मैनेज करके रखें। और इसी के साथ एक छोटी चीज़ और आती है, जो आती है रिविज़न, क्योंकि अब देखो रिविज़न की काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। फिलहाल जो हमारा जो टाइम चल रहा है, इसमें हमें रिविज़न पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार अभी तो एग्ज़ाम में टाइम पड़ा है, 3 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं। देखो आप इस चीज़ को छोड़ना, बिल्कुल छोड़ दो अपने दिमाग में से कि अभी टाइम है या नहीं है। आपका काम ये है कि हाँ भाई 3 जून को एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम हो, आपका मेन मोटो यही होना चाहिए कि मेरा सारा कंटेंट है वो प्रिपेयर रहे। अब देखो नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ दोस्तों की तो हालत ऐसी हो गई है, मैं उन मेरे दोस्त की बात बताता हूँ, कल से वो कह रहा है कि यार नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म वॉर्म सब फिलअप कर दिया, बट दिक्कत ये हो रही है कि यार इस बार सीटें बहुत कम है, क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, आपका होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पहले से रोना शुरू कर दिया तो बाद में क्या होगा। कम से कम आप पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड करके रखो ना, होना है ना होना वो अलग की बात है। देखो आप एक चीज़ बताइए, हमें कितनी एक सीट, हर इंसान को केवल एक सीट की ज़रूरत है, तो आपको इस चीज़ से क्या लेना या क्या देना है कि कितनी सीटें यूपीएससी ने निकाली हैं कितनी नहीं निकाली। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए आपके लिए कि हाँ भाई मुझे मेरी एक सीट चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता कितनी सीट है, चाहे 5 लाख सीट हो चाहे 50 करोड़ सीट हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि सीट हो या नहीं हो। बस आपको एक सीट चाहिए, वो आपको अपनी सीट पानी है। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है इसकी तरफ कि भाई मुझे, इसके अलावा आपको बस एक काम फोकस करना है, वो करना है आपकी स्टडी पे। तो देखो अभी हमारा जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है रिविज़न की तरफ, तो रिवीजन पे हमें काफी फोकस करना होगा। इसके लिए हमने काफी कंटेंट भी चला रखा है, बट सबसे अहम बात ये होती है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आप उसको अरेंज करिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, और सारा कंटेंट आपका रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तक आपने बहुत सा कंटेंट पढ़ा है, अब एग्जाम में सारा कंटेंट हमें रिवाइज नहीं होगा तब तक हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो अभी हमारा 2 या 3 महीने का जो टाइम है, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा वो करना होगा हमें रिवीजन पे, कि हमारा सारा सिलेबस है वो रिवाइज होता रहे हर 1-2 दिन में, जिस भी तरीके से आपको सुटेबल लगता हो। तो आप कुछ चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए कि मेरे साथ पहले अच्छा हुआ या पहले बुरा हुआ, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, आगे क्या अच्छा होगा, खाक है ये हो, इन सारी बातों को आप छोड़ दीजिए और आज से आप अभी फोकस करना है वो स्टार्ट कर दीजिए कि भाई मेरे साथ जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, और इसलिए मैं आगे से इस तरीके के स्टेप उठाऊंगा। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है कि मन में नेगेटिव भावना है, इनको निकाल दो। और सबसे अहम बात वो आती है कि आपको पढ़ाई का शेड्यूल है वो अपने आप अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, क्योंकि देखो मेरे कहने से मोटिवेशन देने से या फिर किसी और के मोटिवेशन वीडियो से आपको कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके मन में अंदर से भावना नहीं जगेगी हाँ मुझे भाई यूपीएससी करना है, क्यों मुझे यूपीएससी करना है, वो रीजन आपको खुद को खंगालना होगा। ऐसा नहीं है कि रीजन मैं आपको बताऊंगा, सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं, तो रीजन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बस उसके बाद आपको जरूरत है वो है एक स्पार्क लगाने की, एक आग लगाने की, छोटी सी एक छोटी सी चिंगारी है वही बाद में एक भयानक युद्ध में बदलेगी। तो सबसे अहम बात यह है कि आप एक रीजन देख लो, कि उस ऐसा रीजन ढूंढ लो कि उसके बाद आपको नींद आना मुश्किल हो जाए कि हाँ भाई मुझे तो यूपीएससी करनी है तभी मैं चांसेस होऊंगा। तो देखो बेटर यही होगा कि आप अपने इरादों की तरफ अभी स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बाद में कुछ नहीं बचेगा। तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचना बंद करो, और अहम जो पॉइंट आता है हमारा वो यही आता है कि आज से आपकी स्टडी है जो बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी इश्यू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।